दोस्तों, आपने एनबीएफसी के बहुत से मॉडल सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एनबीएफसी के मॉडल के बारे में बताना जा रहा हूं। क्योंकि एनबीएफसी में क्या होता है कि कंपनी पैसा आगे लेंड करती है और उसके ऊपर कंपनी को नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट के अंदर उसका फायदा होता है, और वो डायरेक्टली लिंक होता है रिस्क के साथ कि यानी कि वहां पे रिस्क होता है कि सामने वाली पार्टी पैसा वापस ना करे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा मॉडल भी हो सकता है जहां पे एक एनबीएफसी पैसा देती है और सामने वाली पार्टी जो आप उसको पैसा वापस देगी वो इंडियन रेलवेज है, यानी कि जो इसका रिस्क है एसोसिएटेड पैसे के साथ कि इसको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जीरो है, यानी कि रिस्क फ्री एक तरीके से लेंडिंग करती है वो कंपनी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इस कंपनी का नाम है रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है आने वाले दिनों में, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करना चाहते हैं, और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। हम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बताएंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की, और वीडियो के एंड में हर आईपीओ के साथ एसोसिएटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। अगर हम आईआरएफसी के बारे में डिटेल में बात करें तो इसको एक डेडिकेटेड बोरोइंग आर्म बोला जाता है इंडियन रेलवेज का, यानी कि आपको पता होगा कि रेलवेज को एक्सपेंशन करने के लिए नए कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं, नए बोगीज बनानी पड़ती हैं, या मान लो उनको एक नई ट्रेन लेके आनी है जिसके लिए उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि इंडियन रेलवेज का खर्चा होगा, और वो खर्चा करने के लिए कुछ तो रेलवेज के पास अपना बजट होता है लेकिन कुछ पैसे उनको लेंड करने पड़ते हैं। यहां पे जो लैंडिंग का रिक्वायरमेंट होता है या पैसे का रिक्वायरमेंट होता है इंडियन रेलवे को, उसको पूरा करता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका अभी आईपीओ आने वाला है। यानी कि ये कंपनी अपना पैसा देती है इंडियन रेलवेज को उसकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि उसके खर्चे के लिए, और यहां पे उनको पैसा देती है, लेकिन जो इस कंपनी ने पैसा दिया है वो पैसा इनको वापस मिलता है गवर्नमेंट से, तो यहां पे इनका जो लैंडिंग का रिस्क होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। और यहां पे जब भी हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, यानी कि कंपनी का खर्चा कितना हुआ और जो पैसा कंपनी ने आगे लेंड किया है, दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसको नॉर्मली बोला जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जो बड़े बड़े एनबीएफसी होते हैं उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि वो रिस्की एसेट्स में अपना लोन देते हैं। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 1.5% के आसपास का है, क्योंकि यहां पे बिल्कुल भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं है इनकी लैंडिंग के साथ। तो दोस्तों, आईआरएफसी यहां पे रेलवेज की जो बाकी एंटिटीज हैं उनको भी पैसा लेंड करती है। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि अगर मैं पूरे एनबीएफसी सेक्टर की बात करता हूं तो ये पहली पब्लिक सेक्टर की एनबीएफसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट होने वाली है आने वाले दिनों में। इसके बाद दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर रेवेन्यू प्रॉफिट कैसा कमाया है, और वहां पे ट्रेंड हमें कैसा देखने को मिलता है। चलिए मैं जल्दी से आपको लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम बात करते हैं दो पैरामीटर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में, और साथ के साथ हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि कंपनी के इनकम के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 2017 की, तो एज ऑन 31 मार्च 2017 कंपनी का 8000 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम उसको 2018 में लेके जाते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो जाता है 9268 करोड़। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 2019 की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है वो 9000 करोड़ से बढ़ के 11000 करोड़ हो जाता है। और वहीं पे अगर मैं 31 मार्च 2020 की बात करता हूं तो कंपनी रिपोर्ट करती है कि कंपनी का रेवेन्यू 13421 करोड़ हो जाता है। यानी कि अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं पिछले कुछ टाइम की, तो रेवेन्यू के अंदर हमें लगातार एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू हमेशा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 31 मार्च 2017 को कंपनी ने 921 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। इसके बाद 2018 में कंपनी ने 2049 करोड़, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 की, तो कंपनी ने 2254 करोड़, और 2020 के अंदर कंपनी ने 3000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया था। यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखता है हमें।
यहीं पे अगर हम बात करते हैं 30 सितंबर 2020 की, यानी कि अभी तक के इस साल के हाफ ईयर तक, कंपनी लगातार पिछले कुछ टाइम से रेवेन्यू भी अच्छा बना रही है और प्रॉफिट भी अच्छा बना रही है, और वो ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं IRFC के पीई रेशो की, तो इसका पीई रेशो निकल के आता है 6.6 के आसपास का। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एनबीएफसी सेक्टर के साथ, तो एनबीएफसी सेक्टर का नॉर्मल पीई रेशो 17 के आसपास का निकल के आता है, यानी कि इसकी पीई रेशो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी को 13% के आसपास बना के रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा नंबर माना जा सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये नंबर 25% के आसपास का निकल के आता है। तो जब भी हम एनबीएफसी सेक्टर की बात करते हैं, तो एनपीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि इस कंपनी के एनपीएस कितने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक ये कंपनी जो अपना पैसा देती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एंटिटीज को देती है, जिसके चलते इस कंपनी का अभी तक 0 NPA है, यानी कि इसका कोई भी एनपीए नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूं कि अगर मैं पिछले 3 साल की बात करता हूं, तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें 15% से ज्यादा का CAGR देखने को मिलता है, और वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, तो पिछले 3 साल का CAGR ग्रोथ हमें 50% से ज्यादा का देखने को मिलता है। तो ये नंबर बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं प्रोस एंड कॉन्स की, कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले प्रोस की बात करता हूं, तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और इसके अलावा कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो भी काफी डिसेंट है, बल्कि काफी हेल्दी माने जा सकते हैं। अगर मैं चलता हूं सेकेंड पॉइंटर के ऊपर प्रोस सेक्शन में, तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि ये कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर की एनबीएफसी कंपनी है, जिसके ऊपर कोई भी एनपीएस नहीं है, और इसके अलावा कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग है वो काफी अच्छी है। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें, तो इसकी वजह से जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि कंपनी को पैसे रेज करने के लिए बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, बहुत कम खर्चा देना पड़ेगा। यहां पे अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करते हैं, तो वहां से तीसरा पॉइंटर निकल के आता है कि आने वाले टाइम में काफी हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात की जा रही है, जो आने वाले टाइम में बनेंगे भी, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को काफी ज्यादा फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है आने वाले टाइम में, तो उसका डायरेक्ट फायदा हमें इस कंपनी को होता हुआ दिखेगा। दोस्तों जब बात एक्सपेंशन की हुई है, तो यहाँ पे न्यू कॉरिडोर्स तो आने ही वाले हैं, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग रेलवेज के रूट्स हैं वहां पे भी काफी एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे इनके बिजनेस की, तो यहां पे बिजनेस के अंदर इस कंपनी के पास पूरे तरीके से मोनोपोली है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अगर कभी भी फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो इंडियन रेलवे फाइनेंस के पास ही आएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी को मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। मान लो कि इस कंपनी का कोई एक एसेट है जो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस होता है, तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उस लॉस को अपने ऊपर ले लेते हैं और इस कंपनी का नुकसान नहीं होने देते, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिस्क है वो काफी कम हो जाते हैं कंपनी के ऊपर। तो यहां पे अगर मैं कॉन्स की बात करता हूं, तो सबसे पहला पॉइंट यही निकल के आता है कि कंपनी की पूरे तरीके से जो डिपेंडेंसीज है वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर ही है, यानी कि इनका एक ही क्लाइंट है जिसके ऊपर ये पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, और जहां पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का। तो आने वाले टाइम अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है, वहां पे प्राइवेटाइजेशन होती है, कोई भी ऐसी न्यूज निकल के आती है, उसका हमें नहीं पता कि इस कंपनी के ऊपर कैसा असर पड़ेगा, लेकिन इस कंपनी का पूरा डिपेंडेंसी अपने बिजनेस के लिए मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे के ऊपर ही सामने निकल के आता है। दोस्तों सेकंड अगर हम बात करें रिसेंट के टाइम में जब कोविड आया था, तो कोविड के बाद बहुत बुरा असर पड़ा था रेलवेज के ऊपर भी, जैसे कि हर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज के ऊपर पड़ा था, जिसकी वजह से वहां पे जो ग्रोथ थी वो एक टाइम के लिए रुक गई थी। तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में वहां पे कैसे ग्रोथ आता है, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में यानी कि रेलवेज के अंदर ग्रोथ आएगी, तो भी इस कंपनी की अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों के अंदर बढ़ेंगी, लेकिन वो कैसे बढ़ती है आने वाले टाइम में, और वो पूरा सेक्टर कोविड के बाद कैसे ग्रो करता है, उस टाइम से कैसे एक अच्छे तरीके से बाहर निकल के आता है, वो तो हमें आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलेगा। अब चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में, जहां पे हम बात करेंगे आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि वो इंपॉर्टेंट फिगर्स जिसका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप यहां पे बिड करने के बारे में सोच रहे हैं।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आईपीओ बिडिंग डेट्स की। तो जो यहां पे बिडिंग ओपन होगा वो 18 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में ओपन होगा, यानी कि उन डेट्स के बीच में आप जाके आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। अगर मैं टोटल आईपीओ साइज की बात करता हूं तो टोटल आईपीओ का साइज है 4633 करोड़, यानी कि 4600 करोड़ का पूरा आईपीओ है। लेकिन जब भी आईपीओ आता है इसके नॉर्मली दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला फ्रेश इशू यानी कि कंपनी जो नया पैसा रेज कर रही है अपने बिजनेस के लिए, और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। अगर मैं बात करता हूं फ्रेश इक्विटी की कि उसका क्वांटम कितना है पूरे आईपीओ के अंदर, तो उसका वैल्यू निकल के आता है 3088 करोड़। और यहां पे अगर हम बात करते हैं ऑफर फॉर सेल की तो यहां पे 1544 करोड़ का ऑफर फॉर सेल सामने निकल के आता है। यहां पे अगर मैं लॉट साइज की बात करता हूं तो इस कंपनी का लॉट साइज रहेगा 575 शेयर्स का, और जो आप बिडिंग कर सकते हैं आप 25 से लेकर 26 रुपए के बीच में बिडिंग कर सकते हैं अगर आप इस आईपीओ में बिड करना चाहते हैं। तो एक लॉट बिड करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 14,950 रुपीज के आसपास का पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 13 लॉट्स के लिए बिड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो करंटली इनके प्रमोटर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी 100% का ओनरशिप है, लेकिन ये आईपीओ आने के बाद उनका जो ओनरशिप है वो 100% से कम होकर 86% पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो पूरे आईपीओ के ऊपर, जहां पे हमने आपको बताया कंपनी के बिजनेस के बारे में, जहां पे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कंपनी एक एनबीएफसी है और यहां पे कंपनी जो पैसा देती है वो रिस्क फ्री पैसा देती है, यानी कि कंपनी का बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करता हूं तो कंपनी का इनकम 1.5% के आसपास का है, क्योंकि यहां पे रिस्क नहीं है इसलिए यहां पे जो इनका रिटर्न है 1.5% के आसपास का निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करते हैं पिछले कुछ टाइम की तो फाइनेंशियली कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें इस कंपनी के आईपीओ के अंदर बिड करना चाहिए या नहीं बिड करना चाहिए। अगर हमें बिड करना चाहिए तो उसके पीछे क्या रीजंस है आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं, हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.